हाँ जी बिहार का अमृत वेला 76 से शुरू हुआ ना, बेहद का अमृत वेला 76 से शुरू हुआ ना, 76 से विदेशियों का पूछ रहे हो या भारतीयों का पूछ रहे हो? तो 18 से होगा। विदेशी बाप को पहले पहचानते हैं ज्ञान सूर्य को, या भारतवासी पहले पहचानते हैं? विदेशी पहले पहचानते हैं, परंतु विदेशियों का अमृत वेला करना है या स्वदेशियों वाला अमृत वेला करना है, अंतर क्या है? शास्त्रों में विदेशियों को असुरों के रूप में दिखाया गया है, राक्षसों के रूप में दिखाया गया है, और उनके ताज जो दिखाते हैं उस ताज में मुर्गे का पूंछ दिखाते हैं। क्या मतलब है? है? वो मुर्गे की तरह पुरुषार्थ करने वाले हैं। पूरा भगवान बाप को नहीं पहचानते, इसलिए सो जाते हैं। और भारतवासी पूरा पहचान लेते हैं तो फिर पूरा वर्षा प्राप्त करके छोड़ते हैं। इसलिए 76 है रात्रि के 12 बजे का वेला। अमृत वेला तो कहेंगे, परंतु भारतीयों का अमृत वेला नहीं है, क्योंकि विदेशी जागते हैं और विदेशी बाप को पहचानते हैं। थोड़े समय के लिए पहचानते हैं, फिर विरोधी बन जाते हैं, इसलिए फिर द्वापर से दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऐसा पहचानने से फायदा है या नुकसान है? हद का अमृत वेला भी 2 बजे के बाद शुरू होता है। स्वदेशियों के लिए बिहार का अमृत वेला कब से शुरू हुआ? कौन सा विदेशियों के लिए? स्वदेशियों के लिए। स्वदेशियों में पहली आत्मा कौन है? कृष्ण बच्चा है। कृष्ण बच्चा पहला देवता कौन है? है सतयुग से स्वर्ग की शुरुआत कहें या संगम से स्वर्ग की शुरुआत कहें? संगम से। संगम में तो भगवान से भगवान भगवती बनते हैं या देवता बनते हैं? भगवान सिर्फ स्थापना का ही काम करता है, निर्माण ही करता है या विनाश भी करता है? विनाश नहीं करता, सब धर्मों का विनाश भी करता है। देवताएं विनाश नहीं करते हैं, तो पहला देवता कौन है? फिर वही शंकर। शंकर तो विनाश करता है। हाँ, जो सतयुग में पहला पत्ता है वही पहला देवता है। कहते हैं ये तो देवता बुद्धि है, इसलिए कृष्ण को बच्चा दिखाया है। पहला बलिष्ठ, पहला शूद्र, पहला ब्राह्मण, पहला देवता, तो ये तो श्रृंखला गलत हो जा रहा है। वो सिर्फ बनाने के लिए है,
ब्राह्मणों को क्या बनाता है? देवता बनाता है। बनाने वाला कोई तो चाहिए, तो जो बनने वाले हैं उनमें पहला देवता कौन? वो तो कृष्ण ही है। तो कृष्ण की पैदाइश रात्रि के 12 बजे कहें या 3-4 बजे कहें? 12 बजे कृष्ण की पैदाइश। बच्चा बाद में पैदा होगा या पहले पैदा होगा? बच्चा बाद में पैदा होगा, बाप का जन्म पहले होना चाहिए। तो रात्रि के 12 बजे दिखाते हैं, घोर अंधकार की रात्रि। बाद में कृष्ण बच्चे का जन्म, भक्ति मार्ग में पहले वर्ष शुरू होता है तो शिवरात्रि पहले होती है कि पहले कृष्ण रात्रि होती है? पहले शिवरात्रि। तो वास्तव में अमृत वेले का टाइम है 3-4 बजे। जो दोबारा नींद भी ना आए, जल्दी उठ गए और फिर माया ने लुढ़का दिया तो किया हुआ पुरुषार्थ सब बराबर हो जाता है। तो बाबा एक तेज से शुरू हुआ कृष्ण का, जब मित्र लोग का खत्म हो गया, अमर लोग में प्रवेश किया कृष्ण वाली आत्मा। कृष्ण वाली आत्मा भी जब 100 वर्ष ब्रह्मा के पूरे होते हैं, ब्रह्मा की रात पूरी होती है, तब एडवांस में असली रूप में प्रवेश करती है। और भगवान शब्द जो बना है, भगवान के शब्द से पांचों जो शब्द हैं वो तत्वों से क्यों मिलते हैं? क्या भगवान शब्द जो बना है वो पांचों तत्वों से क्यों मिलता है? भा से भूमि, आ से आग, ग से गगन, न से नीर, ये पांचों तत्व भगवान को भी उन्हीं से संबोधित किया जाता है और पांच तत्व भी उन्हीं से बनते हैं, इसका क्या कारण है? कोई भी शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, एक अर्थ नहीं होता है। ऐसे नहीं कि भगवान का एक ही अर्थ है। शब्द तो अक्षरों से बनते हैं और अक्षर सीमित हैं और शब्द असीमित हैं। तो एक एक अक्षर के ढेर शब्द हो जाते हैं। शब्द तो बहुत थोड़े हैं, अक्षर वो अक्षर तो बहुत थोड़े हैं और शब्द असीम बन जाते हैं। तो ऐसे नहीं कह सकते कि भगवान शब्द में 5 अक्षर हैं इसलिए उसका सीमित अर्थ है। नहीं, अपनी अपनी कल्पना के अनुसार अर्थ कर दिए हैं इसलिए ऐसा होता है। ब्रह्मा चैतन्य है या जड़ है? समय का दूसरा नाम है ड्रामा, काल का दूसरा नाम है ड्रामा, काल चक्र कहा जाता है। काल चक्र ज्यों का त्यों भले घूमता है, उस काल चक्र में सभी बंधायमान भले हैं। भगवान भी बंधायमान है परंतु वो काल चक्र भी जो प्रजापति कहा जाता है, कुमार
उसके पहिए की मिसल है। वो पहिया तभी घूमता है जब कुम्हार उसमें डंडा लगाता है। डंडा लगाया और देर तक घूमता रहता है, ढेर के ढेर बर्तन तैयार होते रहते हैं। ये भी 500-700 करोड़ बर्तन हैं। संगम युग में एक बार चक्का घुमाता है, कौन? प्रजापति नाम दे दिए। वो अंत समय की संपन्न स्टेज की यादगार है शास्त्रों में, प्रजापति। वास्तव में पुरुषार्थ जीवन का नाम है प्रजापिता, आदि का नाम है, पिता जन्मदाता को कहा जाता है। वो यज्ञ के आदि से ही ज्ञान का डंडा लगाया। डंडा लगाते हैं तो पहले पहले धीमे घूमता है, ये तेजी से घूमता है? पहले धीमे घूमता है, जैसे ये बेसिक नॉलेज। यज्ञ के आदि में ज्ञान का दंड लगाया तो घूमना शुरू हुआ, और तेजी से कब से घूमता है? सन 76 में आकर तेजी से घूमने लगा। तो निमित्त का भी विशेष महत्व है। चक्र तो फिरता है, लेकिन चक्र में सत्युग लाने का निमित्त कौन? द्वापर लाने का निमित्त कौन? अद्वैत दुनिया बनाने का निमित्त कौन? और द्वैतवादी दुनिया बनाने का निमित्त कौन? इस बात के ऊपर सारा मदार आता है। तो जो निमित्त है वो चैतन्य है या जड़ है? है? वो चैतन्य ही विशेष है, इसलिए जड़ के ऊपर कंट्रोलर है। जड़ में शक्ति नहीं होती है। काल चक्र को भी घुमाने वाले कोई निमित्त हैं जो काल चक्र में परिवर्तन ला देते हैं। मनुष्य आत्माएं तो हैं, परंतु वो नंबर वार है, और उनका नंबर बनाने वाला भी कौन है? अपने आप नंबर बनाती है या बनाने वाला बनाता है? हैं? हाँ, मुट्ठी में है तकदीर हमारी। भगवान तो आके सबको एक जैसी नालिश देता है, परंतु उठाने वाले, धारण करने वाले अलग अलग है। कोई ध्यान देते हैं, कोई ध्यान नहीं देते, कोई उस नॉलेज की ऊंचाई को समझते हैं, कोई नहीं समझते हैं। नहीं समझते हैं तो दुनियादारी में रम जाते हैं। दुनियादारी में जो रमने वाले हैं, भगवान को भूलने वाले हैं, भगवान की नॉलेज को भूलने वाले हैं, तो परिवर्तन करने वाले कहे जाएंगे? कालचक्र को परिवर्तन करेंगे? नहीं। फिर जड़ को महत्व देंगे या चैतन्य को महत्व देंगे? है? ड्रामा को महत्व देंगे या चैतन्य आत्मा को महत्व देंगे? उसको साथ नहीं करते हैं, वो ड्रामा को महत्व देते हैं। हाँ जी, पुरुषार्थी जीवन है तो चैतन्य आत्मा को महत्व देंगे, पुरुषार्थ को आगे रखेंगे, नहीं तो ड्रामा को आगे रख देंगे। जैसा ड्रामा में था वैसा हुआ, ड्रामा में जैसा होगा वैसा होगा, पुरुषार्थ कर लेंगे। और ड्रामा के अंदर जो पार्ट है आप हमारे आत्मा का, तो पार्ट तो कैसे क्लियर करेंगे? है
आत्मा का जो पार्ट है ड्रामा में याद है? नहीं बाबा, आत्मा के अंदर जो पार्ट है वो याद है? हर एक आत्मा का पार्ट क्लियर करना है बाबा। हर एक आत्मा का जो पार्ट है 84 जन्मों का वो याद है? याद नहीं बाबा, बोलते फॉर्मूला लगाओ और याद, फॉर्मूला लगाओ और याद करो, फॉर्मूला लगाओ। वो फॉर्मूला क्या है? फार्मूला शुरुआत कहाँ से होती है? फार्मूला की शुरुआत का मूल कौन है? प्रजापिता। प्रजापिता, तो पहले तो प्रजापिता के अनेक जन्म खोले, बाद में नंबर वार खोले, फिर बाद में नंबर वार औरों के खोले। प्रजापिता के जो नजदीकी हैं 8 या 12 है उनके खोले, फिर उनके जो नजदीकी वालों के खोले। फिर भी कहा जाएगा पढ़ाई के ऊपर सारा मदार है। बाबा गुरु ग्रंथ साहब में अकाल पुरख आता है, अकाल पुरख का असल मीन क्या होता है? अकाल पुरुष का मतलब है अकाल पुरख, पुरख पुरुष माने पूरी शरीर रूपी पूरी में आराम करने वाला आत्मा। कैसी आत्मा? अकाल, जिसको काल खा नहीं सकता। अब काल आत्मा को खाता है या शरीर को खाता है? शरीर को खाता है। माने कोई ऐसी आत्मा है जिसको काल खाते हुए किसी ने देखा ही नहीं। सब आत्माओं को काल खाते हुए देखा गया, शरीर छोड़ते हुए देखा गया, लेकिन एक आत्मा ऐसी है जिसको काल खाते हुए किसी ने देखा ही नहीं, वो अकाल पुरुष है। कृष्ण को तो नहीं कहेंगे, कृष्ण की तो मृत्यु दिखाई है शास्त्रों में। नानक को तो नहीं कहेंगे, नानक की तो मृत्यु दिखाई है, शरीर को काल ने खाया है। जरूर कोई ऐसी आत्मा है महाविनाश काल में जो सब शरीर छोड़ जाते हैं और अंत में वो आत्मा अकेली रहती है, ऑलराउंड पार्टधारी है। उसके पार्ट में बीच में ब्रेक नहीं होता है, इसलिए अकाल पुरुष है। बाबा ने मुरली में बोला दिलवाड़ा मंदिर में गुप्त कोट रखी हुई है, उसमें काला देव बैठा है, उसका अर्थ क्या है? काला किसे कहा जाता है और गोरा किसे कहा जाता है? काला भिकारी और पतित को कहा जाता है, और गोरा गोरा पावन को कहा जाता है। दिलवाड़ा मंदिर में जो भी मूर्तियां बाहर बैठी हुई हैं वो गोरी हैं या काली हैं? है, सब गोरी बैठाई हुई है। गुप्त में काली मूर्ति अंदर रखी हुई है, कोने में बड़ी कोठरी दिखाई है, उसमें काला देव बैठा हुआ। पहचान नहीं सकता कोई, क्योंकि देखने में नहीं आता। और सवेरा बाबा 98 में जेल से निकालने का बाद जब संगम जी कृष्णों की प्रत्यक्षता हुआ तो आप 72 सवेरा कहा जाएगा? घोर अंधकार कब कहेंगे? ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में घोर अंधकार कब कहेंगे? सन 36 को कहेंगे, सन 76 को कहेंगे या कोई और कहेंगे? हैं? कब कहेंगे? क्योंकि घोर अंधकार के बाद ही घोर सवेरा होगा। 36 को भी नहीं कहेंगे, क्योंकि ज्ञान तो मिलता है लेकिन अधूरा ज्ञान मिलता है या संपूर्ण ज्ञान मिलता है? हैं? अधूरा ज्ञान मिलता है। सन 76 को भी घोर अंधकार कहेंगे,
या अधूरा अंधकार कहेंगे? है अधूरा कहेंगे, क्यों? क्योंकि जो भी ज्ञान में आते हैं, एडवांस में आते हैं, वो सब ज्ञानी कहे जाएंगे या अज्ञानी कहे जाएंगे? है क्या कहे जाएंगे? ज्ञानी कहेंगे। आज ज्ञानी बने और कल अज्ञानी बन जाए, आज निश्चय बुद्धि बने, बाप को जानने वाले बने और कल अनजान बन जाए, तो क्या कहेंगे? सोजरा है या अंधेरा है? हैं? अंधेरा। घोर अंधेरा तब कहेंगे कि दुनिया वाले तो अंधेरे में है ही, जिन्होंने सन 36 में पहचाना वो भी अंधेरे में, बेसिक वाले, और जिन्होंने सन 76 में पहचाना वो भी अंधेरे में आ जाते हैं। अनिश्चय बुद्धि पद में विनश्यते हो जाते हैं, तो कौन बचे? कोई सोजरे में बचे या नहीं बचे? हैं? कोई नहीं बचे, परलय हो गई, जलमयी हो गई, ज्ञान जल की बाढ़ में ऐसे डूबे कि सब अंधले हो गए। बाढ़ आती है तो जल मटमैला हो जाता है या स्वच्छ जल रहता है? मटमैला हो जाता है। तो ऐसी जालमयी होती है कि सब अंधले हो जाते हैं। तो तो वो अर्धरात्रि हुई, घोर अंधेरी रात, इसलिए गायन है महाशिवरात्रि। शिव जयंती नहीं कहते हैं, शिव जयंती तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने नाम रख दिया है। वास्तव में अंधेरी रात की बात है और वो भी घोर अंधेरी रात, उसके बाद फिर घोर सा सोज रहा होता है। घोर सोजरा 18 के बाद होगा? पहले हो जाएगा? पहले हो जाएगा, 18 के बाद ही होगा, एकदम थोड़े ही हो जाएगा। सोजरा भी होता है तो धीरे धीरे होता है, ये एकदम हो जाता है, धीरे धीरे होता है, उसमें भी टाइम लगेगा। पहले राजाएं जागेंगे, सोजरे में आवेंगे, या आम प्रजा सोजरे में आ जाएगी? जो राजा बनने वाली आत्माएं हैं वो पहले सोजरे में आवेंगी। जिनके लिए बोला है कि 40 से 50 वर्ष लगते हैं तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने, तो राजयोगी बच्चों से बोला है या प्रजायोगी बच्चों से बोला है? राजयोगी से बोला है। तो जरूर वो 2028 तक का टाइम चाहिए सोजरा लाने के लिए। बाबा इस वाणी में बोला है यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें किसी का दोष या निंदा की बात नहीं है। तो भी अगर किसी का दोष ही नहीं तो धर्मराज से सजा क्यों? सजा मिलती है, ये भी आपका दोष नहीं है, ये भी नुदा हुआ है। बाबा 28 तक सोजरा होगा तो क्या है? बाबा ने बोला अभी 28 तक सोजरा होगा, 2028 तक सोजरा 28 तक क्यों होगा? नहीं, राजा जो होंगे वो 28 तक, माना ऐसा बाबा ने बताया। हाँ तो क्या पुरुषार्थ 28 तक चलेगा क्या? 28 तक राजाओं के लिए होगा या प्रजा वर्ग के लिए होगा? राजा वर्ग। तो राजा वर्ग में है की बात करना चाहिए और राजाओं में भी अव्वल नंबर के राजा बनने की बात करना चाहिए या लास्ट वाली की बात करना चाहिए?
हब्बल नंबर 18 से शुरू होगा या 28 में? 18। फिर ओसामा बिन लादेन मरने के बाद उसका शव अरब सागर में फेंक दिया गया। इसका बेहद में क्या मतलब है? ओसामा बिन लादेन कौन है? है बाबा है, माने बाबा डकैत है, सबसे बड़े डकैत आतंकवादी होते हैं ना, है? माया तो देखने में नहीं आती और माया अभी मरी नहीं है, लेकिन ओसामा बिन लादेन तो मर गया ना। आत्मा कहीं मरती है क्या? मरने का मतलब शरीर छोड़ना, तो शरीर छोड़ना माने ज्ञान में देह अभिमान छोड़ना। तो कौन सी आत्मा है ब्राह्मणों की दुनिया में जो बड़े में बड़ा डकैत है? कैसे? सबको जो मार कर मरता होगा। अच्छा, माना वो सबको मार के मरता है। सन 68 में किसने शरीर छोड़ा? तो सबको मार के मारा क्या? ओसामा बिन लादेन का अर्थ ही बता दिया। ओ शाम आ गई, शामत आ गई। क्या आ गई? सुधर जाओ, शामत आ गई। बिना लाए दिए नहीं छोड़ूंगा। जो कुछ है तन मन धन समय संपर्क बीवी बाल बच्चे सब लाके रंधर दे, नहीं तो छोड़ने वाला नहीं हूं। सब कुछ अर्पण करा लेता है, अर्पण कराने के लिए फोर्स डालता है। तो कौन है यज्ञ में जिसने सबसे पहले अर्पण किया? अर्पण करना तो अच्छी बात है, लेकिन दूसरों के लिए फोर्स डालना वो अच्छी बात है या खराब बात है? है? सहज सहज काम होना चाहिए, समझा करके बुझा करके, या जोर जबरदस्ती होना चाहिए? है? समझा के काम होना चाहिए। तो फोर्सफुली जो काम कराने का काम है वो धर्मराज का काम है। धर्मराज सुधरने के लिए जितना फोर्स डालता है उतना दुनिया में और कोई भी फोर्स नहीं डालता। और धर्मराज कौन बनता है? जो धारणा में सबसे आगे रहता है वो ही धर्मराज बनता है। बड़े से बड़ा देवान कौन सा था? लादेन मर गया, उसकी जगह पे कोई और आने। उनमें बड़े से बड़ा देवान कौन सा था? है गीता का भगवान मैं हूं, ये बड़े से बड़ा देह अभिमान। दुनिया में जितने भी धर्म गुरु हुए हैं वो सब स्टेज को पाए हुए हैं। शिवो हम ब्रह्मास्मि, आत्मा सो हमारी आत्मा सो परमात्मा, ऐसा भाव रखना बड़े से बड़ा देह अभिमान है। और अपन को भगवान मानने वालों में अब्बल नंबर कौन हुआ? ब्रह्मा की सोल। तो अभी तक तो नहीं कहेंगे कि उनका देह अभिमान टूटा था, लेकिन अब देह अभिमान की शुरुआत हुई टूटने की। जब बंबई में
थोड़ी सी हलचल हुई ब्राह्मणों की दुनिया में। आठ पॉइंट निकले, बैनर लगा दिए गए, हेडिंग था ब्रह्मा कुमारियां बताएं नहीं तो हम बताएंगे। हलचल मच गई, इकतीस मार्च को अव्यक्त बाप दादा आए थे, घोषणा करके गए ये लास्ट मिलन मेला है इस सीजन का, इसके बाद आना होगा तो अगले सीजन में आएंगे। फिर 13 दिन के बाद फिर उनका आवाहन कर लिया गया। और वो आ भी गए, जैसे हमेशा आते हैं बहला के चले जाते हैं, क्लियर जवाब किसी को नहीं मिलता कि शिव बाबा का साकार पार्ट अभी चल रहा है या नहीं चल रहा है, शंकर पार्टी सच्ची है या झूठी है, एडवांस पार्टी नीचे है या ऊपर है। अब जब नई बातें सामने आ गई तो अब पता चल रहा है कि एडवांस पार्टी नीचे है या ऊपर है। तो ब्रह्मा बाबा को तो जवाब नहीं सूझा, तो जवाब देंगे भी क्या? तो देह अहंकार धीरे धीरे टूटता है। तो प्रश्न तो यहां ये है कि लादेन मरा तो, लेकिन उसका देह अभिमान कहां फेंका गया है? अरब सागर। ब्रह्मा बाबा ने जब शरीर छोड़ा था तो सत्ता किसके हाथ में सौंप गए? प्रकाशमणि दादी कौन से धर्म की साबित होती है? इस्लाम धर्म का सागर कौन सा है? तो अंतमते सुगति हो गई, वहीं दफन होता है। ज्ञान में मम्मा के बाद माया बेटी ज्यादा होशियार है या ब्रह्मा की सोल ज्यादा होशियार है? तो उसी सागर में जाके दफन होना पड़े। अगर ब्रह्मा बाबा जाना बंद कर दे जी, सारा झगड़ा ही खत्म हो जाए जी, ये क्यों नहीं बंद करते जी? आपको कोई तकलीफ हो रही है क्या? आपको तो फायदा ही है, आपको जो नए नए पॉइंट्स मिलते हैं अव्यक्त वाणी में उससे आप एडवांस का नाम बाला कर रहे हैं या नाम बदनाम हो रहा है? नाम बाला हो रहा है। लिख लिख के तो देते जा रहे हैं। हाँ जी, और जो विजय माला है, विजय माला को मधुमक्खी की संख्या दी गई है, मधुमक्खी से और रुद्रमाला को मधुमक्खियों की संख्या नहीं देंगे? विजय माला को है? विजय माला को मधुमक्खी, विजय माला को ही मधुमक्खियों की संख्या संज्ञा देंगे या रुद्रमाला को भी देंगे? है रुद्रमाला को भी मधुमक्खियों की संख्या देंगे। मधुमक्खियां दो प्रकार की होती हैं, एक छोटी मक्खी और एक बड़ी मक्खी। छोटी मक्खी का जो शहद है वो आंखों की रोशनी बढ़ाता है, आंखों में सोझरा लाता है,
अभी अनिश्चय बुद्धि एडवांस में ज्यादा बन रहे हैं या कम बन रहे हैं? हैं? ज्यादा बन रहे हैं। लेकिन विजय माला निकलेगी तो रोशनी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। मेरा मतलब ये है, उसमें जहर होता है, हैं? मधुमक्खी में जहर होता है, काटेगी तो जहर होगा। आपको जो मिलता है माल, वो मीठा माल मिलता है, अमृत मिलता है, या आप जहर लेते हैं? आपको जो मिलता है उससे काम है। शंकर के चित्रों में आधी खुली हुई जटाएं और आधी बंधी हुई जटाएं क्यों दिखाते हैं? जटाएं किस बात की यादगार है? ज्ञान उलझा हुआ अच्छा होता है या सुलझा हुआ अच्छा होता है? शंकर पुरुषार्थी जीवन है या पुरुषार्थ संपन्न किया हुआ जीवन है? पुरुषार्थी जीवन है। तो पुरुषार्थी जीवन में कुछ ज्ञान की बातें सुलझ जाती हैं और कुछ ज्ञान की बातें सुलझने से रह जाती है। इसलिए आधी जटाएं खुली हुई हैं और आधी बंधी हुई है। लेकिन जब गंगा उतरती है तो जटाएं सारी खुल जाती हैं या बंधी हुई रहती है? सारी खुल जाती है। त्रिमूर्ति के चित्र में गदा का क्लैरिफिकेशन समझ में नहीं आता। चार आयुध दिखाए हैं, शंख, चक्र, गदा और पद्म, और चारों आयुध चार आत्माओं की तरफ इशारा करते हैं, अलग अलग आत्माओं की तरफ इशारा करते हैं या एक ही आत्मा की तरफ इशारा करते हैं? तो गदा का इशारा किस ओर है? ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में ज्ञान तलवार की धार के मुआफिक रहता था या मोटे गधे के रूप में रहता था? वो एक एक बात का क्लैरिफिकेशन नहीं दे सकते थे। मम्मा फिर भी ज्ञान के पॉइंट को विस्तार में ले जाती थी, लेकिन ब्रह्मा बाबा छोटे बच्चे के मुआफिक, जैसे करीम, रहीम, कबीर, रामायण, सूरदास के दोहे रटाई दिए जाते हैं वैसे रट लेते थे। ऐसे ही ब्रह्मा बाबा की वाणी है, सीधा सीधा ज्ञान तो दे दिया लेकिन उसका क्लैरिफिकेशन नहीं दे सकते थे। वही गदा, गदा की मार मोटी होती है या धारदार होती है? मोटी मार होती है। परम धाम से उतरने वाली लास्ट आत्मा कौन है? है? अरे बुद्धि है अपनी अपनी, किसी की बुद्धि ऊंची तरफ जाती है, किसी की बुद्धि नीची तरफ जाती है, तो कोई की बुद्धि चल रही है कहां चल रही है? लास्ट आत्मा की तरफ। अब लास्ट आत्मा कीड़े मकोड़े मिसल होगी, मच्छर मिसल होगी या बड़ा पार्ट बजाने वाली होगी? मच्छर मिसल होगी। उनके बारे में तो मनुष्य भी नहीं बोला। मनुष्यों की संख्या मुरली में बताई है 500-550 करोड़, और बाकी क्या रह गए? कीड़े मकोड़े जानवर रह गए।
आए और गए, उनके बारे में तो चिंतन भी नहीं चलाना चाहिए, पूछना तो दूर की बात। दूसरी बात, बाबा पार्ट बताता है क्या? है बोर्ड पर लिख करके बतावेगा, कागज पर लिख करके बतावेगा, या हर आत्मा अपना पार्ट स्वयं ही प्रत्यक्ष करेगी, स्वयं ही प्रत्यक्ष करेगी। इसलिए पूछने की बात नहीं रह जाती। जब कोई मर जाता है तो मरने वाले की अर्थी के आगे बतासे, मुनक्के, मखाना और पैसे आदि फेंकते जाते हैं और कहते हैं राम नाम सत्य है। इसका वेद में अर्थ क्या है? वहां तो शरीर से मरते हैं दुनिया में, यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में मरने का अर्थ क्या है? जीते जी देह अभिमान से मरना। तो देह अभिमान से ब्राह्मणों की दुनिया में जो मरते हैं तो खुशी की बात है या रोने पीटने की बात है? हैं? खुशी की बात है। और जी कैसी जे खुशी की बात है तो उसमें सूखा मेवा, पैसे लुटाना अच्छी बात है या खराब बात है? हाँ, जितना पैसा है उसके पीछे लगा देना है ताकि खुशी बढ़ती रहे। बेहद के मरने का अर्थ नहीं समझते हैं इसलिए ये प्रश्न पूछ रहे हैं। गंगा और बूढ़ी गंगा में क्या अंतर है? बूढ़ों में ज्ञान ज्यादा ठहरता है या नौजवान में ज्यादा ज्ञान ठहरता है? नौजवान है, बूढ़ों में ठहरता नहीं है। बूढ़ी गंगा कंपिल में है, कंपिल के किनारे किनारे बह रही है, लेकिन सूखी हुई है, सूख जाती है या भरी पूरी रहती है? हमेशा सूख जाती है। क्या अर्थ हुआ? बूढ़ों में ज्ञान उड़ जाता है, घड़ी घड़ी बोलते रहते हैं, हम सुनते तो बहुत हैं लेकिन हमारी बुद्धि में जो रहता नहीं, सब उड़ जाता है। कंपिल में ये मान्यता है कि जब नई गंगा बूढ़ी गंगा में आकर के मिल जाएगी, अर्थात कंपिल के किनारे किनारे गंगा बहने लगेगी, तो इस दुनिया का विनाश हो जाएगा। माना कम ज्ञान वाले में ज्यादा ज्ञान जब मिक्स हो जाएगा तो एक आकार हो जाएंगे, सबका कल्याण हो जाएगा। वो ज्ञान गंगाएं अंत में निकलती हैं, मध्य में निकलती हैं या आदि में निकलती है? आदि में होगी तो अंत में भी होगी। आज में भी वो ज्ञान गंगा थी और कंपिल के किनारे ही थी, एडवांस में भी वो ज्ञान गंगा थी, एडवांस के आज में कंपिल के किनारे ही थी, फिर दूर चली गई, अभी अंत में
अभी फिर नजदीक आ जाएगी। एक्यूरेट याद किसको कहा जाता है? बाबा के गुणों को याद करना याद है या बाबा की शक्तियों को याद करना याद है? हैं? किसी को याद करते हैं, सामान्य जीवन में भी किसी को याद करते हैं तो खास क्या याद आती है? गुण याद आते हैं, कर्म याद आते हैं, संबंध याद आता है, हैं? चेहरा याद आता है, रूप याद आता है। तो यहां भी ऐसे ही है, जो असली रूप है वो ज्योति बिंदु है, परंतु वो ज्योति बिंदु में गुण और शक्तियां चाहिए या नहीं चाहिए? वो बिंदु में व्यक्त होंगी, ये बिंदु साकार में प्रवेश करेगा तब गुण और शक्तियां प्रत्यक्ष होंगी। साकार में प्रत्यक्ष कर प्रवेश होता है तब वो गुण और शक्तियां भी प्रत्यक्ष होती। इसलिए बिंदु के रूप में और साकार के रूप में, दोनों ही रूप में याद आना चाहिए। इसलिए कहा कि साकार में निराकार को याद करो, यही एक्यूरेट याद है। एडवांस पार्टी में जो 2005 से लेकर के 2014 तक का कैलेंडर जारी किया गया है, उसका रहस्य क्या है? कोई एडवांस में ऐसा कैलेंडर है? है जो 10 साल का है, कोई किया गया होगा? है बंबई में किया था, बंबई वालों ने किया, उसका रहस्य क्या है? उसका रहस्य यही है कि 2004 में रुद्रमाला के हिसाब से शूटिंग का काम पूरा होता है, उसमें 10 वर्ष आदि के गुप्त होते हैं, 76 से लेकर के 86 तक विदेशी आत्माएं भी जागती नहीं है, भारत के दक्षिण भारत के विदेशी वो भी 87 में जागते हैं। ऐसे ही रुद्रमाला के बाद कौन सी माला है? विजय माला। विजय माला का पाठ शुरुआत का है 2005 से लेकर 2015 तक, इसमें ये गुप्त पाठ चलता है। जो गुप्त पार्ट है वो 2015 के बाद प्रत्यक्ष होना चाहिए, इसलिए 10 साल का कैलेंडर बना दिया गया। गुप्त में ज्यादा ताकत होती है या प्रत्यक्ष में ज्यादा ताकत होती है? ये प्रैक्टिकल पार्ट है। विजयमाला कहां पार्ट बजा रही है वो चंद्रवंशी पहले जानेंगे या सूर्यवंशी पहले जानेंगे? चंद्रवंशियों को पहले पता लगेगा। जब कोई बुरा संकल्प चलता है तो बाबा को याद करने से तुरंत रियलाइज हो जाता है, तो क्या उस वक्त बाबा के पास संकल्प पहुंच जाता है या नहीं पहुंचता है? बाबा को पता होगा? कौन से बाबा को पता होगा? आत्माएं तो दो हैं, एक है निराकार जिसे कहते हैं अंतर्यामी, एक है साकार जिसे कहते हैं बहिर्यामी। जो पोता में लिख के दिया जाता है वो साकार के लिए लिख के दिया जाता है, साकार को उसकी जरूरत है
या निराकार को जरूरत है, साकार को जरूरत। तो निराकार को तो पता ही लग जाता है ना, उसकी टीवी में तो सब कुछ है, उपस्थित रहता है या नहीं रहता है, उपस्थिति है। जो विदेशी बच्चे होते हैं वो दूसरों को उठाते हैं और खुद सो जाते हैं, इसका अर्थ क्या है? और वो कब जगेंगे, कब उठेंगे, बताओ? दूसरों को उठाने और खुद सो जाने का अर्थ क्या हुआ? दूसरों को ज्ञान दे करके जागृत कर देते हैं, दूसरे ज्ञान में चल पड़ते हैं। क्योंकि भारतवासियों की आदत है, भारतवासी वो ज्ञान उठावेंगे, ईजाद करेंगे तो नहीं मानेंगे, और वही बात विदेशी ईजाद करेंगे तो जड़ स्वीकार कर लेंगे। घर का जोगी जोगिया, आर गांव का सिद्ध, सो हिसाब हो जाता है। तो दूसरों को उठाना माने ज्ञान में जगाना, और खुद सो जाते हैं माना अनिश्चय बुद्धि बन जाते हैं। बात की पहचान दूसरों को तो मिल जाती है, लेकिन वो विदेशी खुद बाप को भूल जाते हैं, अज्ञानी बन जाते हैं और विरोध करने लग पड़ते हैं। और फिर कब उठेंगे? अरे आज में उठेंगे, उठे थे, वो कब उठेंगे? आज सो अंत, ये नियम बना हुआ है। गोरखनाथ तो गोबर से निकला, इसका बेहद में अर्थ क्या है? अच्छा, गौ के गोबर से निकला होगा या भैंस के गोबर से निकला होगा? है गौ के गोबर से निकला। गोरखनाथ का अर्थ क्या है? गौ रक्ष नाथ, गौओं की रक्षा करने वाला स्वामी। जो गौओं की रक्षा करेगा तो गौएं भी कभी उसकी रक्षा के निमित्त बनेंगी या नहीं बनेंगी? जरूर बनी होंगी। तो इसलिए ये गोवर्धन पहाड़ भी बनाते हैं, यादगार दिखाते हैं। दीपावली पर गोवर्धन रखते हैं ना, काय का बनाते हैं? गौ के गोबर का बनाते हैं। मन के मौन से नई रंगत निकलेगी, इसका बेहद का अर्थ क्या है? जब आदमी हर प्रकार का प्रयत्न करके थक जाता है, कोई बहुत बोल बोल करते हैं अपनी बात सिद्ध करने के लिए, कोई बहुत भाग दौड़ करते हैं, तो जब कर्मणा से वाचा से सफलता नहीं मिलती है, थक जाते हैं, तो फिर बोलना और भागदौड़ करना बंद कर देते हैं या चालू रखते हैं? बंद हो जाता है। फिर क्या करते हैं? फिर मन के अंदर संकल्प चलता है। वो मन के अंदर जो पावर है वो सारा कार्य कर देती है। इसलिए बोला है मन के मौन से नई रंगत निकलेगी। इंद्रियों में सबसे ताकतवर इंद्रिय कौन सी है? मन। सभी इंद्रियों के ऊपर मन बैठा हुआ है, सभी इंद्रियां रस भोगती हैं,
लेकिन अगर मन उनका साथ न दे तो रस का भोग होगा नहीं होगा। इसलिए भगवान बाप भी आते हैं तो मन को कंट्रोल करना सिखाते हैं, या सन्यासियों की तरह इंद्रियों को कंट्रोल करने सीखते और सिखाते हैं, मन को कंट्रोल करना सीधा। कंपिल में कहते हैं राजा द्रुपद की यादगार है, उनका राज्य था तो वो किसकी याद में, द्रुपद और द्रौपदी, इसका अर्थ क्या है? द्रुपद द्रुपदी, वो स्त्रीलिंग शब्द है, वो पुल्लिंग शब्द है, जिसका पद ध्रुव है, कोई टाल नहीं सकता, वो द्रौपदी है, जिसकी नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, इसकी यादगार है जगदम्बा की यादगार। तो उसके साथ फिर कौन है? जगत पिता है, जगदम्बा बेटी है और जगत पिता बाप है। अगर आत्मा जड़ है, अगर ड्रामा जड़ है, अगर ड्रामा जड़ है तो शिव बाबा और सारी आत्माएं ड्रामा के बंधन में क्यों बंधी हुई है? बंधन में बंधी हुई है इसका कारण क्या है? अरे सीधी सी बात है, जो भी आत्माएं हैं वो पूरी चैतन्य नहीं बनी है। अगर कहें शिव बाबा तो चैतन्य है, तो प्रैक्टिकल में चैतन्य है या सिर्फ बिंदु रूप में चैतन्य है? प्रैक्टिकल में चैतन्य है। अभी प्रैक्टिकल में शिव को चैतन्य कहें या ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ क्या है? अभी भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ है। जब तक साकार चैतन्य न बने तब तक निराकार भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ है। इसलिए जब तक आत्माएं 500 करोड़ चैतन्य नहीं बनी है, सारी सृष्टि पर विजय नहीं हुई है, तब तक ड्रामा को ही आगे रखना पड़ेगा। शिव बाबा यही कहेंगे, मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ। जिनका बहुत मान है, बहुत मर्तबा है, वो बड़े से बड़ा भ्रष्टाचारी समझो, मुरली में बोला। इस वाक्य का अर्थ क्या है? ये बात बेसिक में ही लागू होती है या एडवांस में भी लागू होती है? है बेसिक में कैसे लागू होती है? है ब्रह्मा कुमारियों में भी मुख्य कौन है? है कुमार का दादी के लिए बोला गया। ऐसे ही
एडवांस में कौन है? ब्रह्मा कुमारी, कुमारका का बीज। यहाँ कोई कुमारका का बीज है या नहीं है? हैं? कौन है? हैं? स्वर्णधर्म का जो बीज होगा, जो बीज होगा वो ज्यादा पावरफुल होगा या जड़ ज्यादा पावरफुल होगी? बीज ज्यादा पावरफुल है, वो कौन है? माया बेटी ने किससे हाथ मिलाई लिया? जगदम्बा से हाथ मिलाई लिया। इतना मान मर्तव्य वाली है कि जब उसके हाथ में ब्राह्मणों की दुनिया की सत्ता आ जाएगी तो सारी ब्राह्मणों की दुनिया की पालना कौन करेगी? हैं? जगदम्बा करेगी। तो सबसे जास्ती मान मर्तबा किसका हुआ? हैं? जगदम्बा का हुआ। लेकिन जो मान मर्तबा देने वाले हैं वो ये जानते हैं कि ये डूबी जा होने वाली है? हैं? जानते हैं? नहीं जानते। क्या नहीं जानते? जगदम्बा से शिष्टाचारी दुनिया ही उत्पन्न होती है या भ्रष्टाचारी जगत की भी पैदाइश होती है? भ्रष्टाचारी जगत की भी पैदाइश होती है। वो दोनों का बीज है। शिष्टाचारी दुनिया का बीज तब बनती है जब विजयमाला का हेड उसमें संस्कार स्वभाव से मिक्स होकर एक हो जाता है। शिष्टाचारी दुनिया का बीज बनती है।